उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जो सबसे बड़ा बिजनेस यानी उद्यम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एक एक पद की कीमत यहाँ 50-50 लाख रुपए है और कई कई मामलों में ये पता चल गया है कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के पद बेचे जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा क्रम सरकार के इस उद्यम का है, वो क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं और इसी हिसाब से वो पदों का बंटवारा हो जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का उसको अच्छी खासी रकम मिल जाती है, तकरीबन हर परीक्षा में 20 से 50 करोड़। लेकिन ये पूरी रकम कोषागार में या सरकारी खजाने में नहीं जाती, बल्कि सरकारी अफसरों की जेब में चली जाती है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटिया, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये गिरफ्तारी उनके दफ्तर से हुई है या उन आयोग के ही गेस्ट हाउस में जहां वो रहती थी, लेकिन इतना जरूर है दोपहर के आसपास पुलिस ने बताया है कि ये गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर के पिछले गेट से एसटीएफ के लोग बनारस ले गए, जहां अशोक कुमार कार नाम का व्यक्ति एसटीएफ के हत्थे लगा है। ये बंगाल का रहने वाला है, कोलकाता का, और कलकत्ता में इसका प्रिंटिंग प्रेस है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर्स उसी अशोक कौशिक कुमार कार के प्रेस में छपते थे। किस तरीके से गोपनीय बरती जाती थी, आप इसका आकलन बड़े आसानी से लगा सकते हैं कि उसके 2 दिन पहले ही कौशिक कुमार कार अपने साथियों के साथ बनारस आया था और उसने यूपी कॉलेज के पास एक बड़े हॉल को किराए पे लिया और उसने बड़े संख्या में प्रतिभागियों के लिए एक नई परीक्षा आयोजित की और 2 घंटे के अंदर सबको पेपर दे दिया गया और हर छात्र से 5 लाख रुपए उगाहे गए। परीक्षा के फौरन बाद सभी प्रश्न पत्र जला दिए गए, लेकिन इसी बीच में एक सहयोगी था, उसने मोबाइल पर वीडियो बना लिया। ये कौशिक कुमार कार का सहयोगी बताया जाता है। दौलती को जो खबरें मिली हैं उसके हिसाब से पिछले साल 18 जुलाई 2018 को बंगाल, पश्चिम बंगाल के खुफिया पुलिस के मुखिया ने एक पत्र भेजा था उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को और बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कुछ घोटाला हो रहा है और ये पता चला है कि वहाँ के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसी प्रेस में छापे जा रहे हैं, परीक्षा में घोटाला हुआ है और उसके बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अब इस मुद्दे पर हम लोग बाद में भी बातचीत कर सकते हैं कि 10 महीना पहले जब बंगाल की खुफिया पुलिस ने ये सूचना यूपी के डीजीपी को भेजी और डीजीपी ने उस खबर को एसटीएफ को दे दिया, तो एसटीएफ ने उस बीच में किया क्या था? अंजुलता कटियार के बारे में कहा, जैसा एसटीएफ का दावा है कि उसने इनके पास पूरे पुख्ता प्रमाण है, 10 लाख रुपए की बरामदगी बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कौशिक कुमार कार के मोबाइल से उनके जो व्हाट्सएप डिस्कशन हुआ था उसमें दोनों के बीच में संलिप्तता की बात खुलकर के सामने आई है। पुलिस की बात को सीधे सीधे विश्वास कर लेना शायद बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हम एसटीएफ या पुलिस को झूठा ना नहीं साबित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष में कई झूठे दावे करता है, बुनता है, उसी तरीके से अगर हम पुलिस को भी देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से पुलिस और एसटीएफ की करतूतें काफ़ी संदिग्ध रही हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि एसटीएफ ने 10 महीने तक काम क्या किया इस पूरी खबर के बाद। दूसरी चीज़ें तो आप बहुत कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का, उत्तर प्रदेश के पुलिस का महकमा एक बहुत बड़ा है जहां लाखों की तादाद में लोग हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, उसमें मोटी मोटा 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतिभागियों के भविष्य दांव पे लग गए। तो क्या एसटीएफ के पास की समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक बहुत बड़े घोटाले की बात है, बंगाल से आई है और उस पर उनको खुद भी कार्रवाई करनी चाहिए, खुद नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जब अगर बंगाल से सूचना आई है तो उस पर तो उनको करना चाहिए, और उसमें 10 महीने का समय लगा देना ये अपने आप में बहुत ही दुखद है, चिंतनीय है। दूसरी बात है कि 10 लाख रुपए की बात अंजू लता कटियार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 4 पहलुओं में से एक है। एक तो आयोग में अध्यक्ष होते हैं जो राज्य सरकार उनको नामित करती है, दूसरे होते हैं सचिव जो आईएएस अफसर होते हैं, इनके अलावा परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक भी अलग अलग सत्ता होती है, और इसमें खास तौर पे परीक्षा नियंत्रक पूरी तरीके से स्वतंत्र संस्था होती है। चूंकि मामला गोपनीय होता है तो इसलिए हर चीज की डीलिंग केवल सीधे सीधे परीक्षा नियंत्रक करती है, लेकिन जिस तरीके से हस्तक्षेप पिछले वर्षों में हुआ है ये छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, अंजू लता कटियार पर जो आरोप एसटीएफ ने लगाया है उस पर काफ़ी पेचोखम है, कभी शक है वो अलग बात होगी, लेकिन उनको कटियार को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि 1 साल पहले 29 जुलाई को जब पीसीएस परीक्षा मेंस का की परीक्षा हुई और उसका पता चला कि पेपर लीक हो गया है, उसी समय आयोग के सचिव ने जिनका नाम जगदीश है उन्होंने ऐलान किया था कि प्रिंटिंग प्रेस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंजू लता कटियार ने भी कहा था कि हम इस पर पे सख्त हैं और कड़ी कार्रवाई होगी, सचिव ने कहा था हम बैन भी करेंगे उसको, लेकिन इसके बावजूद ये फिर एलटी की परीक्षा की तैयारी हुई और उसी प्रेस को दे दिया गया, ये बड़े संशय की बात है और साबित करता है कि अंजू लता उतनी दूध की धुली नहीं है जितने उनको समझा जा रहा है। सच बात यही है, अंजू लता कटियार केवल इस पूरे मामले में इकलौती शातिर खिलाड़ी रही होंगी ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। सभी मान रहे हैं कि एक महिला इतना बड़ा खेल अपने दम पर कर ही नहीं सकती, यानी मामला काफ़ी ऊंची पर बैठे सफेदपोश लोगों से जुड़ा हुआ है, उसी को खंगालना एसटीएफ का अब नया असल जिम्मा होगा, बशर्ते बड़ी ईमानदारी के साथ उस कार्रवाई को, इस कवायद को बहुत आगे मुकाम तक पहुँचाया गया। लेकिन कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास बताता है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान ही लोक सेवा आयोग में सांगठनिक घोटालों की शुरुआत हुई थी, इसके पहले भी हो चुकी थी। एक केएम पांडे हुआ करते थे, सचिव वहां थे, उसके समय भी घोटाले हुए थे, लेकिन सांगठनिक तौर पर पूरे संघ इसको एक इंस्टीट्यूशनल तरीके बनाने की जो षड्यंत्र किया था वो अखिलेश सरकार में हुआ था। अखिलेश के ही दौर में एक डीजीपी थे, उनके खानदान में के कई लोगों को आयोग ने बाकायदा उपकृत किया था और पता चला था कि उसमें कुछ मोटी रकम का भी लेन देन हुआ था। उसी सरकार में ही आयोग में जबरदस्त घोटालों की बाढ़ आ गई थी, मोटी रकम लेकर प्रतिभागियों को मनचाहे पदों पर चयनित करने की शुरुआत तो उसी दौर में हुई है। लखनऊ के नगर निगम की एक टैक्स सुपरिंटेंडेंट ने तो बाकायदा वीडियो पर कबूल कर लिया था कि उसने आयोग के बड़े अफसर को भारी रकम का भुगतान कर उसके लिए यह पद खरीदा है, यानी टैक्स सुपरिंटेंडेंट का नगर निगम ने, और जो भी चाहे प्रतिभागी उसके दोस्तों से उसने ऑफर भी दिया कि जो भी चाहे वो अपना मनचाहा पद बता दे, हम उसके उस पद को खरीदवाने के लिए पूरी मदद करेंगे क्योंकि उसके अच्छी पैठ है उस आयोग में। आयोग की कारगुजारियों के चलते अब तक 4 बार परीक्षाएं टल चुकी हैं, जिनमें से 3 तो केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में होगी। योगी सरकार में यह 4था घोटाला हुआ है, खाता खोल दिया है योगी सरकार ने। एसटीएफ ने इस बार कार्रवाई की है, इन घोटालों ने करीब अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा युवाओं के सपनों का कुठाराघात किया है, ये बड़े शर्मनाक बात है। इस लूटमार के खिलाफ कई बार बाकायदा मोर्चा बनाया,
धरना किया, प्रदर्शन किया और सरकार से बातचीत करने की कई कई बार कोशिशें की, लेकिन सरकार ने कभी भी इस पूरे मामले में तनिक भी गंभीर कदम नहीं उठाया। जो प्रतिभागी हैं उनका आरोप है कि सरकार के इस रवैये से बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार का मकसद आयोग को सुधारना नहीं, बल्कि आयोग में अपने खासम खास विश्वसनीय लोगों को मोरे की तरह फिट करना, इधर उधर रखना तक ही सीमित है। ये गंभीरता है सरकारों की। तो सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता ही अब पूरी तरह से धूल में मिल चुकी है, चाहे परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवा लोग हों या फिर उनके खानदान के लोग, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आयोग में साफ सुथरी परीक्षाएं हो भी सकती हैं या होती हैं या होंगी कभी। पैसा दो मजा लो जैसी कहावतें खुलेआम कहीं और खुली जा रही हैं, कहा जा रहा है कि पैंट खोलने के लिए आयोग पे बैठे हुए हैं और जितना चाहो पैसा उनको दे दो। ऐसी हालत में यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ढांचे पर, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहचान क्विकर यानी ओलेक्स जैसे यूपी के बड़े धंधेबाज यानी ट्रेडिंग सेंटर जैसा बन जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो भविष्य में आयोग का चेहरा किस तरह रखा जाएगा इसका फैसला तो राज्य सरकार ही तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी आयोग के ऐसे घोटालों से नौकरी हासिल कर चुके लोग राज्य सरकार की प्रशासनिक ढांचे को खून की तरह चाटने में जुटे रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को और बढ़ावा देने को तैयार है, ये तय करना है राज्य सरकार की यानी योगी सरकार की। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे घटना पर, किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सौवीर को इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद है तो उसे YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।